अपने ही एनजीओ की महिला सचिव का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी का नेता बवन यादव बड़ा रसूख वाला था। वह फिल्मों में काम करता था, वीडियो एल्बम बनाता था और खुद उसमें एक्टिंग करता था। सिटी पोस्ट के हाथ उसके कई वीडियो एल्बम लगे हैं। इसमें उनके एक्टिंग को देखकर उसके आचरण और स्वभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने एल्बम शराबी बलवा में वह शराबी पति बना हुआ है। तो रवा हनी, आज फिर आ गई महुआ के दारू पी के? हाँ तो आ गई महुआ पी के, आ तो तोहर बाप के पी के आओ तनिका। बवन यादव ने आरजेडी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और फिर पप्पू यादव की पार्टी से होते हुए बीजेपी में पहुंचा। दशहरा हो या कोई त्योहार, वह रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन करता था। उसके कार्यक्रमों में अच्छी तादाद में मीडिया वाले भी कवरेज के लिए पहुंचते थे। दशहरा पर वह लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश ऐसे देता था जैसे राजनीति में उससे ज्यादा कोई और पाक साफ नहीं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महान पर्व है जो शांति सद्भावना का प्रतीक दर्शाता है, दुश्मन को भी गले लगाता है, बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत कराता है। ये होली हर कोई जात पात ऊंच नीचे हट करके ये होली खेला जाता है। तो बिहार की धरती पर हर तरह का होली होती है। आज के रंगों में रंगे हुए हमारी गुरु भाई और सभी वार्ड नंबर 38 के सैकड़ों के तादाद में या संख्या में साहित्य सम्मेलन में लोग आए हैं। मैं उन लोग का आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। हम सब आपके मीडिया वालों का भी आभार प्रकट करता हूँ। राजनीति तो उसके लिए केवल एक सुरक्षा छतरी थी, असली काम तो उसका राजनेताओं का इस्तेमाल कर अपने एनजीओ के लिए धन जमा करना था। एनजीओ के सहारे वह देखते देखते ही साइकिल से स्कॉर्पियो की सवारी करने लगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसकी पार्टियों में शामिल होते थे। उसके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नेता उनके मंच पर उनके इशारों पर नाचते नजर आते थे। लेकिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की घटना क्या सामने आई, सारे एनजीओ के राज खुलने लगे। बवन यादव भी अपने एनजीओ चलाने के राज को छुपा नहीं पाया। उसके एनजीओ की महिला सचिव ने आज़ादी के जश्न के ठीक एक दिन पहले उसके ऊपर अपना यौन शोषण करने का आरोप लगाकर आज़ादी के जश्न के दिन ही उसे जेल के शिकंजों के भीतर भेज दिया।